सॉरी इंटेंस डिस्कशन में डिस्टर्ब किया ना मुको। जीजा जी इन लोगों की शादी हो गई? अरे नहीं मेरे यादों की बारात अभी नहीं हुई। लेकिन बिल्कुल मैरिड कपल वाली फील आ रही है ना? और मुझे ऐसा लगा कि इनकी शादी हो गई है और मैं भूल गया। Come on guys, मेरा हमेशा से सपना था अनु से शादी करने का। और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है तो मैं हर चीज में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मेरी पहली शादी है भाई। मेरी पहली नहीं है पर तब सब कुछ कब हुआ कैसे वो पता ही नहीं चला। वो मेरी चुन्नी जो थी वो बाजवारी केत की चाची ने पसंद की थी और मेहंदी उन्हीं की बहू ने लगा दी। माँ की पुरानी साड़ी पहनकर फेरे ले लिए थे। मेरा संगीत वही माँ के घर के बाहर ऐसे गली में किया था। लाइट चली गई थी तो इतनी गर्मी थी कि आधे घंटे में ही सारी औरतें घर चली गई। माँ और भावेश मेरा मन रखने के लिए बैठे रहे, अंताक्षरी खेलते रहे पर मैं रोती रही। वैसे आजकल देखती हूँ कि लड़कियां अपनी शादी को लेकर कितना खुश होती है। वो लहंगा कैसा होगा, मेहंदी की डिजाइन क्या होगी, डेकोरेशन क्या होगा, ये सब एक साल पहले से ही तय कर लेती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। इतने रिश्तेदार थे कि शादी के दिन तक सुबह तक खाना ही बनाती रही, बस खाना बनाती रही। शाम को कब शादी हुई पता ही नहीं चला, कब फेरे हुए पता नहीं चला। जब विदा होके ससुराल आई, दरवाजे पे खड़ी रही तो आरती उतारते वक्त बा के सर में दर्द होने लगा। चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो वही रह गई। 26 साल वही रह गई। वैसे अब तो मेरी अब तो तुम्हारी क्या? अब तो मेरी लव मेरे छोरी है तो मैं भी जिद करूंगी, अपने हक की खुशियां लूंगी। हाँ बिल्कुल, अपना लहंगा खुद पसंद करूंगी, मेहंदी का डिजाइन खुद पसंद करूंगी, ओढ़नी खुद पसंद करूंगी। सो नाउ यू आर गोना बी अ ब्राइडजिल्ला। वाओ वाओ, नहीं बताओ ये कौन सा जिला है? अपना अहमदाबाद के आसपास है क्या? मामा जी जो दुल्हन डिमांडिंग होती है ना उसे ब्राइड जिला कहते हैं। अच्छा, और जो ऐसा दूल्हा होता है उसे ग्रूम झल्ला कहते हैं। झल्ला। अरे मुझे तो डर ही लग रहा है, दोनों के नखरे उठाते उठाते बैंड बज जाएगा। माँ के लिए इतना नहीं कर सकता समर? यार तुम दोनों इतने ज्यादा क्यूट हो ना कि तुम लोगों के सारे नखरे सर्राखों पर। सो गाइस सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हमारी बैंड बजने वाली है, पर हमें ऐसी शादी करवानी है जो कभी किसी ने देखी ना हो। मेरे अरमान
जो नहीं कहूंगा भी मेरी जान। सुनो सुनो, पंडित जी आते ही होंगे, सबसे पहले अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं और किसको क्या क्या काम करना है वो काम भी बांट लेते हैं। ठीक है, करेक्ट। हाँ बस सब इतना ध्यान रखिएगा कि शादी पे ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है। एक्चुअली हमने सोचा है कि हम शादी धूमधाम से करेंगे, बस वेस्टेज नहीं करेंगे। ओके, तो फिर मंडप सेटअप डेकोरेशन मैं और भाभी देख लें। ओके डन, ब्राइड और ग्रूम के कॉस्ट्यूम्स मैं और देविका डन, और फोटोग्राफी और वीडियो का काम मैं संभालूंगा। और मैं नागिन डांस करूंगा। अरे मामा बड़ी, हम लोग कोरियोग्राफी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम बांट रहे हैं। हाँ, आई नो, मुझे रिमेम्बर छे। तू थे लीला, ये मैसेज पे मैसेज क्यों किए जा रही हो? वो वनराज, हेलो, आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ हाँ, अब बोल। आपकी बेटी वहाँ प्यार में पागल हो रही है और आप उसके शादी के पीछे पागल हो गए, और यहाँ मेरा बेटा गुस्से में पागल हो रहा है। कब नहीं होता लीला, जो भी हुआ है उसी की गलती है। माना के उसकी गलती है, पर क्या करें, उसे चाटा मारे, उसे शिक्षा दे या उसे उसके हाल पे छोड़ दे, उसे जो करना है वो कर। अरे पर वनराज कहीं कुछ, आज जब घर लौटा तो बहुत हताश था। मैंने उसे पूछा कि तू ठीक है, तो कहने लगा कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वनराज ने ऐसा कहा? उसकी इतनी कोशिश और भाग दौड़ करने के बाद। एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। उसे हमेशा हार का मुंह ही देखना पड़ता है, वो भी क्या करे बेचारा। और जब आदमी गुस्से में होता है और कहता है ना मरने मारने की बात, तो समझ सकते हैं, पर जब टूटा हुआ होता है और तब मरने की बात करता है तो डर लगता है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उसने ऐसे ही कह दिया होगा लीला, हमारा बेटा इतना कमजोर नहीं है। अरे पर दुखी तो है, और दुख में टूटा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, और खास कर जब उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंची हो। तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आकर उसे समझाता हूँ। मिस्टर शाह, वो तो कभी ऐसे नहीं थे। तो ऐसे ही गुस्से में कहा होगा। पर बापू जी, आज भी वो कैफे में एकदम ऐसे सर झुकाकर चुपचाप बैठे थे। वो मैं बीच में नहीं पढ़ सकती, मेरा हक नहीं है। और अब तो जानता हूं, मैं वनराज पे कितना भी गुस्सा हो जाऊं, है तो मेरा ही बेटा, हाथ उठा सकता हूं, लेकिन ऐसी बातें करेगा तो चिंता तो होगी। बापू जी, आप मुझे सफाई क्यों दे रहे? मैं समझती हूं, गुस्से और नफरत से रिश्ते बदल तो सकते पर टूट नहीं सकते। तू इन सब बातों से दूर रहे बेटा, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से तेरी शादी पे कोई असर पड़े। बाकी लीला ने आज एक बात बिल्कुल सही कही, जब आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो एक पल में वो कुछ भी कर सकता है, एक पल में जान भी जा सकती है। चिंता मत कीजिए बाबूजी, बस आप बात तो सू, आप सब मिस्टर शाह के साथ रहे, मैं डोली बहन से भी बात करूंगी। वाह, लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज।
तू ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है बा, तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? यजमान पहले हम गुण देखेंगे। पंडित जी की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों तो बहुत गुणी है। यजमान गुण का मतलब होता है नाड़ी, तारा, गण, मैत्री इत्यादि सब देखेंगे। पंडित जी आपको कुंडली देखने के लिए नहीं, मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। यजमान ये सब कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। काश लीला होती, उसे इन सब चीजों की समझ है। तो अपनी वाइफ को मिस कर रहा है? हाँ यार। मैं भी। तू लीला को मिस कर रहा है? मैं पागल हूँ क्या? सॉरी, मैं जानता हूँ कि वो मिस करने के लायक नहीं है, फिर भी तू उसे मिस कर रहा है। मैं तो अपनी वाइफ को मिस कर रहा हूँ। अबे तेरी वाइफ तो है नहीं? नहीं है, इसीलिए तो मिस कर रहा हूँ। चलो वो दोनों नहीं है, हम दोनों तो है। We can do it. Yes. यजमान ये जो गुण है, पंडित जी ये गुण आप समझ लीजिए, हमें इतना पता है जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। हमारा आशीर्वाद उन दोनों के साथ है। तो मैं चलूं? हां जी, नमस्कार। शादी हो रही है ये सोच के इतना अच्छा लग रहा है यार। ए, ए तू मुझे यार यार क्यों कहता है? मैं लड़के वाला हूँ, कॉल मी समधी जी बुड्ढे। तो मैं भी लड़की वाला हूँ, यू कॉल मी समधी जी। ओए, मैं लड़के का मम्मी हूँ। ओए ओए, तो मैं लड़की का बापा हूँ। शट अप, यू शट अप, यू शट अप, नहीं यू शट अप, यू शट अप, यू 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 शट अप, यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप। अरे अरे क्या हुआ जी के काका बापू जी, आप दोनों लड़के हो रहे हैं? हाँ समझा इसे, ये लड़के वाला होके ये दादागिरी कर रहा है वो नहीं चलेगी। और इसे भी समझा दो कि लड़की वाले होके उसके नानागिरी नहीं चलेगी। अरे मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तो मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी है। तो मैं बात नहीं करता। तो मैं भी बात नहीं करता। गाइस 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 गाइस, अब शादी में लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले नहीं होते, लड़के वाले एंड लड़की वाले होते। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो लोग ये सोचते हैं कि लड़के वाले हो जाने से उनकी हाइट 2 इंच बढ़ जाएगी तो दे आर रॉन्ग। अरे हम टीनेजर जोक भी नहीं कर सकते मान? नहीं तो क्या, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन हम सीरियस हैं, मतलब शादी में लड़के वाले थोड़ा सा एटीट्यूड कम कर देना तो खुशियां और बढ़ जाएंगी। ज्यादा कम नहीं यार, थोड़ा तो रहने दे मान। मुक्कुड़ी तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है, क्या कर रही है? गुस्सा हूँ। किससे? तुमसे। मुझसे क्यों? एक बात बताओ, तुम्हारी उस वनराज के साथ क्या अटैचमेंट है? इतना सब कुछ हो गया अनु, फिर भी तुम मेरे भाई के इमोशंस की कदर करो ना। उस वनराज से क्या लेना देना है? तुमने क्या सोचकर भाई से ये कहा कि वो वनराज की सिफारिश मुझसे करे? अनु आई लव यू विद ऑल माय हार्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे हर डिसीजन पर मैं अग्री कर दूंगी। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल दूंगी। मैंने क्या किया? या तुमने भाई से ये नहीं कहा कि वो वनराज की बात मुझसे आकर करे ताकि मैं उसे एक मौका दे दूं? अनु मैं उसे एक मौका क्या, मैं ना उस आदमी का जीना हराम कर दूंगी। मैंने अनुज से कुछ नहीं कहा। अगर तुमने भाई से कुछ नहीं कहा है तो फिर भाई मेरे पास क्यों आए वनराज की बात लेकर? तुम जानती हो मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उनसे बात भी नहीं की, मैंने सीधा उठकर यहाँ पर आ गई।
मैं ये अनुपमा से फिर भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी होने वाली भाभी से बिल्कुल भी नहीं। एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। फुल एपिसोड देखने के लिए इस एरो के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे ब्लू कलर के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रेड कलर के इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस तरह करेंगे आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा। तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो हनी, वो भी उस वनराज के लिए? सॉरी नॉट फेयर। तुम बहुत बहुत अच्छी हो अनु, लेकिन तुम्हारी जो ये अच्छाई है ना, वो हर किसी के लायक नहीं है। वो वनराज, काव्या और स्पेशली तुम्हारी वो बा। बस बस, अनुज से या किसी से भी मैंने मिस्टर शाह की सिफारिश नहीं की, मैं क्यों करूंगी? तुम खुद सोचो ना, मैं क्यों करूंगी? ठीक है, अगर तुमने सिफारिश नहीं की है तो फिर भाई क्यों आए मेरे पास? मुझे क्या पता मुक्कू। मैं बताता हूँ, अनु ने मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा मैंने ही बापूजी और अनु की बातें सुन ली थी। I'm sorry, अनु। और तुम्हें जो मैंने कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो भाई? हाँ क्यों? उस घर से मेरा रिश्ता है, आपका नहीं। उस घर से मैं चुरी हुई हूँ, आप नहीं। आपको तो उस घर से सिर्फ और सिर्फ अपमान मिला है, ताने मिले, और मिस्टर शाह ने तो आपके साथ गलत ही गलत किया है, तो फिर क्यों क्यों क्यों? एग्जैक्टली, मैं उसकी सारी गलतियां माफ कर देती भाई, लेकिन ये नहीं। उस आदमी के वजह से तुम और मैं अलग हो गए थे, इसलिए ये गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगी, never, ever। और आज जो मिस्टर शाह का हाल है वो खुद उनकी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं। हाँ वो मेरे बच्चों के पिता हैं, उन्हें अगर दुख होगा तो मेरे बच्चे दुखी होंगे, और इसलिए ना चाहते हुए भी मैं दुखी होंगी। नहीं होना चाहिए पर होंगी, क्योंकि मैं माँ हूं। माँ का दिल सयाना नहीं होता, माँ को दुनियादारी नहीं पता होती, लेकिन आपको तो पता है ना अनुज। उस आदमी ने सबको हर्ट किया है, अनु को इतना टॉर्चर किया है, उसे लिटरली मेंटली अब्यूज किया है, इतने ताने दिए हैं, इतना परेशान किया है, तुम्हारे और मेरे बीच में। हाय व्यूअर्स, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये एपिसोड चलना शुरू हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड। हाय व्यूअर्स, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये एपिसोड चलना शुरू हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड। हाय व्यूअर्स, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये एपिसोड चलना शुरू हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड। हाय व्यूअर्स, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये एपिसोड चलना शुरू हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड। हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हासिल करें फुल एपिसोड।